हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर खुशबू है और मैं स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्किन टैग्स के बारे में। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों की नेक पे, अधिकतर महिलाओं में, या अंडर आर्म्स में, या इनर थाइज में, या जो भी फोल्ड्स होते हैं वहां पे, इस तरह की जो स्किन की ग्रोथ होती है वो ज्यादा होके छोटे छोटे टैग बन जाते हैं, जिनको स्किन टैग्स कहते हैं। वायरल वॉर्ड्स में भी इसी टाइप के स्किन टैग्स होते हैं, इसी टाइप की ग्रोथ होती है। बट वो जब हम उसको डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग होता है। उसकी भी मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। वायरल वॉर्ड्स में थोड़ी सी गोभी के जैसी ग्रोथ होती है, जैसे गोभी में छोटे 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 होता है, उस टाइप की ग्रोथ होती है वायरल वॉर्ड्स में। लेकिन जो स्किन टैग्स होते हैं वो अधिकतर बहुत ही कह सकते हो बहुत प्लेन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो उनका वो जो जुड़े होते हैं पतले से स्टॉक से, स्किन से जुड़े होते हैं। तो जो ये वायरल वॉर्ड्स हैं ये तो एक दूसरे से फैलते हैं, लेकिन जो स्किन टैग्स हैं वो छूने से नहीं फैलते। उनका कारण, एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन जो जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो ओवरवेट होते हैं, या प्रेगनेंसी में फीमेल्स में इस टाइप के स्किन टैग्स दिखने लगते हैं, या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या जेनेटिकली अगर आपके मदर फादर में स्किन टैग्स का इशू है तो आपको भी ये हो सकता है। ये मेन इसके फैक्टर हैं कि इन वजह से ये देखा जाता है। अब अगर आपको नॉर्मल स्किन टैग्स हैं, वायरल वॉर्ड्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ स्किन टैग्स की बात कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल स्किन टैग्स हैं तो फिर इनको ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है? तो इसको RF कॉटरी डिवाइस की हेल्प से, ये जो आप देख रहे हो निडल, इसमें से RF वेव्स निकलती हैं जो इसको बर्न कर देती हैं। तो ये करंट जैसा होता है, पहले नमिंग क्रीम लगा के नम कर देते हैं या नमिंग इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद इस टाइप की निडल होती है उससे उसके बेस को बर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से RF कॉटरी से इसको हम इसका रिमूवल परमानेंट तरीके से कर सकते हैं। जहाँ से रिमूवल करते हैं वहाँ पर दोबारा जनरली नहीं होते, बट बाकी अदर साइड्स पे ये हो सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से ये घाव जैसा बन जाता है जो एक हफ्ते के अंदर अंदर हील हो जाता है अगर आप उसकी केयर करते हो अच्छे से। तो दूसरा, जैसे किसी को प्राइवेट पार्ट में, वेजाइनल एरिया के आसपास, इस टाइप के पार्ट में कोई स्किन टैग है, तो हम क्रायोथेरेपी में क्या होता है, एक ठंडी गैस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, तो उस टैग पे हम उसको स्प्रे करते हैं, प्रिसाइसली उसी टैग पे, तो वो उसको फ्रीज कर देता है, वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसके बाद वो शेड हो जाता है, झड़ जाता है वो स्किन टैग। अगर आप सर्जन के पास जाते हो तो आप ब्लेड से, आपका सर्जन उसको कट करके सर्जिकली रिमूव कर सकता है, या कुछ केमिकल सॉल्यूशन लगा के भी स्किन टैग रिमूवल किया जाता है, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये सब प्रोसीजर्स हैं अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, किस तरीके से आपका डॉक्टर उसको रिमूव कर सकता है। जब हम उसको रिमूव कर देते हैं उसके बाद मे बी 7 डेज के लिए आपको थोड़ी सी केयर करनी होती है। 2-3 दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, 1-2 दिन के लिए आपको धूप में थोड़ा कम जाना होता है, स्टीम, सोना, स्विमिंग करना, पानी में बहुत टाइम तक रहना, या वर्कआउट करना, ये सब कम से कम 1 हफ्ते तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सब करने से थोड़ा सा उसमें जो आपका जहाँ से स्किन टैग को निकाला है वहाँ पे इन्फेक्शन होके थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका जो घाव है वो देर से हील होता है अगर ये सब आप करते हो तो। वैसे जनरली 7 से 10 दिन में वहाँ पे स्कैब बन के झड़ भी जाता है और आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल पहले के जैसी हो जाती है। तो अगर आपको स्किन टैग्स हैं, आपको कुछ टेस्ट भी कराने चाहिए, जैसे आपको अपना शुगर चेक कराना चाहिए, HbA1c जो 3 मंथ की शुगर बताता है वो कराना चाहिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसको खाली पेट कराते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद कराते हैं। इंसुलिन हार्मोन अगर किसी में ज़्यादा होता है, हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं उसको, अगर वो होता है तो भी स्किन टैग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मीठा फूड आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। वेट अगर आपका ज़्यादा है तो आपको वेट को कम करना चाहिए। तो ये था एक स्किन टैग्स के ऊपर वीडियो कि हो जाए तो क्या करना है, कैसे निकलवाना है, निकलवाने के बाद कैसे केयर करनी है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो मैं नंबर स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन। थैंक यू।